I want to ask you something. Do you want to be a good child? Do you want? Okay. Then I want to tell you some good manners. If you follow these good manners, you will become a good child. So, when you wake up in the morning, always wish your parents, grandparents, your elder brother and sisters. You should speak politely. You should not speak so loudly. You should obey your elders and you should never insist on anything. Okay? If you follow these good manners, you will be a good child. Today we will learn how to write the and the. तो चले पहले हम द से दबा लिखना सीखते हैं. द बनाने के लिए पहले स्लीपिंग लाइन बनाएं. स्लीपिंग लाइन के मिडिल में एक स्टैंडिंग लाइन बनाएं और बिना पेंसिल उठाए हाफ पर बनाएं और इसे अंदर ले जाकर इसकी बाहर टेल निकालें. द द से दबा. सी अगेन. पहले स्लीपिंग लाइन बनाएं, फिर मिडिल में स्टैंडिंग लाइन बनाएं, बिना पेंसिल उठाए हाफ कर्व बनाएं और अंदर ले जाकर बाहर निकालो और इसकी टेल बनाओ. द द से दरवाजा. सी अगेन. पहले स्लीपिंग लाइन बनाएं, फिर मिडिल में स्टैंडिंग लाइन बनाएं, स्टैंडिंग लाइन से बिना पेंसिल उठाए एक हाफ कर्व बनाएं, फिर इसे अंदर ले जाकर बाहर निकाल कर इसकी टेल बनाएं. द द से दिल. अब हम द से बनने वाले शब्द देखते हैं. द से दरी. द से दूर. द से दुनिया. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक ध. ध बनाने के लिए पहले हाथ एक स्मॉल सर्किल बनाएं, फिर हाफ कर बनाते हुए पीछे आए, फिर आगे ले जाते हुए एक और हाफ कर बनाएं, इसके साथ स्टैंडिंग लाइन बनाएं, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाएं. ध ध से धनुष. सी अगेन. पहले एक हाफ फुल सर्किल बनाएं स्मॉल वाला, फिर आगे ले जाएं इसे, पीछे आते हुए एक और हाफ सर्किल बनाएं और इसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन बनाएं, फिर इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाएं. ध ध से धन. सी अगेन. पहले एक स्मॉल सर्किल बनाएं और आगे ले जाकर हाफ कर बनाएं, पीछे आते हुए आगे ले जाएं और एक और हाफ कर बनाएं, इसके साथ स्टैंडिंग लाइन बनाएं, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाएं. ध से धनिया. अब हम ध से बनाने वाले शब्द देखते हैं. ध से धरती. ध से धनुष. ध से धन. ध से धनिया. ध से धरती. ध से धड़कन. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू रिवाइज दीज एंड मेक न्यू वर्ड फ्रॉम दीज लेटर्स. थैंक यू.